एक आध के दांत टूटे हैं घर पर पहले जी हैं। चलो भैया है, देखो वोट पड़ गई भाई। स्टेडियम से ज्यादा लौंडे यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं। नहीं नहीं, पूरा यहाँ पे डेट सीरीज अपने अपने चैनल का यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा जाएगा, डेट सीरीज। वेलकम बैक टू द वेरी न्यू ब्लॉग ऑफ डेट सीरीज। आई एम योर सचिन। दिस ब्लॉग आपका सपोर्ट, हमारा विस्फोट। आज 20 मई है और तीसरे चरण के मतदान चल रहे हैं अभी चारों तरफ अपने जो भी रीजन है इस पे। फिलहाल हमको जाना है वोटिंग करने। सुबह उठ के सबसे पहले अपना निर्वाचन कार्ड, जो वोटर आईडी होती है, वो ढूंढना मिल नहीं रहा था। एक हेडेक हो गई कि भाई अगर नहीं मिला तो वोटिंग कैसे करेंगे। और वो जो स्लिप होती है वो भी नहीं आई थी, तो हमने ई पोर्टल पे जाके वहाँ से अपने स्लिप डाउनलोड करी। एंड यस, हम वो हैं जो बिग बॉस में वोटिंग नहीं करते, लेकिन जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो भाई वोट करना जरूरी होता है। एक ही दिन होता है जब हम उंगली करते हैं, तो वही आज उंगली करने जाना है। अभी अपने अपने घर में हमेशा, मतलब पापा का हिसाब से, आप तो हमेशा सराह कि पहले उठो, पहले जाके वोट करो, उसके बाद आके नाश्ता पानी जो भी करना, वही होता है ना कि पहले मतदान फिर जलपान। वो अपने घर में बहुत पहले से था, तो पापा भी रेडी हो रहे हैं। हम पापा जाके वोट कराएंगे, उसके बाद मम्मी लोग जाएंगी। पहला काम उंगली करना। तो सर पापा को दवा वगैरह खानी, दवा जब तक वो खा रहे तब तक हम बैठ के थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अभी अपने भी अपने अपने जो अपना जो फ्रेंड सर्कल है उसमें भी दो तीन लौंडे हैं, जो मतलब जो निब्बे टाइप के नहीं होते। वो बिग बॉस में भाई रात रात भर बैठ के वोट दिए, लेकिन हम आज बोल रहे हैं कि आज जाके वोट करके, और किसी को भी तो मतलब जिसको सपोर्ट करना उसको करो, नो मैटर, लेकिन वोट देना जरूरी है। तो बोल रहे हैं भाई कौन जाए वोट देने, ये वो। तो बस वो जो होते हैं ना निब्बे बिग बॉस वाले, जो बिग बॉस में वोट करते हैं लेकिन डेमोक्रेसी वाला इलेक्शन जब होता है तब वोट नहीं करते, उनको जरूर करिए ना। नहीं, जो वोट है ना वो है GIC में। GIC पास में गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, वहाँ पे अपने सारे लोगों की वोट्स होती हैं, तो भी वहीं जा रहे हैं हम लोग। भाई सामने ट्रक जा रही ना, इसका भी टायर फटा, फटके चार हो गए एकदम से, बड़ से जो आवाज आई। अभी पूरा सन्नाटा ही, चारों तरफ ये पर्ची वगैरह निकाल रहे हैं, सारे वोट डालने जा रहे हैं। ये है GIC, मतलब GGIC, इधर अपना वोट पड़ेगा। अभी सुबह सुबह वैसे भीड़ है तो नहीं, अब बाकी देखो। चलो भैया देखो वोट पड़ गई, बज रखे हैं 8:30। देखो 8 बजे के पहले ही अपना जो वोट था पड़ गया, तो देश हित की जो अभी पहली अपनी ड्यूटी हम पूरी कर सकते थे वो हमने पूरी कर दी। अभी जा रहे हैं हम ब्रेकफास्ट करने, और थ्रू आउट द डे जो भी कुछ होगा, अभी गर्मी इतनी है बाहर कहीं तो जाना ही नहीं होगा, बाकी जैसा होगा लेट्स सी, ब्लॉग में देखने को मिलेगा ही। आज के दिन का सिनेरियो था पहले मतदान फिर जलपान, अभी होने जा रहा है जलपान। जलपान बोले तो ब्रेकफास्ट, अभी इसमें लगिया नमकीन बिस्किट और चाय। भैया इसे ग्लास में ही चाहिए होती, वो कप अप में नहीं चाहिए होती। आवड़ तोड़ गर्मी है ना, बिना कूलर में पानी भरे काम ही नहीं चलता। बीच में हम पानी वानी भरना छोड़ देते, बाल्टी से भरना पड़ता था, काफी दिक्कत होती है। अभी पाइप से तो भैया दिन में दो दो तीन तीन बार पानी भरना पड़ता है। बस तो भैया ऐसा है कि मतलब पूरा का पूरा शहर ही बंद है। अभी सामने सब बस पुलिस वालों की गाड़ियां इधर उधर आ जा रही हैं। एक भाई को यहाँ पे वोट डालना था, तो हम इधर जा रहे थे, बोला हम साथ में चले चलो उधर ही, हम तुम वोट डाल देना, हम तुमको छोड़ के निकल जाएंगे। बस वही यहाँ पे बैठे हुए हैं। तब जा हुआ है भैया, 1:42 हो गया। बस आज खाली वोट पड़ेगी, बस शाम तक की एकदम शांति रहेगी पूरे शहर में, आराम से कड़बड़ चालू होगा कल से। फिर वही भागदौड़ वाली जिंदगी, चिल्लम चिल्ली। भाई आते इंक छुड़ाई थी, लेकिन देखो अभी भी मतलब स्किन की तो छूट गई, लेकिन नेल्स पे जो लगी वो छूटी नहीं, वो पूरी ब्राउन ब्राउन हो गई। हम क्या बोल रहे, अगर होली में ये इंक मिल जाती तो थोड़ा अपना काम बन जाता। खाली बस ऐसे डालते, बस ऐसे पूरी पट्टी की पट्टी महीना भर छूटी नहीं रही। अभी ये क्या छुड़ाया, लेकिन छूटी नहीं, थोड़ा सा वो रही गया। क्या मस्त मजा आएगा ना अगर यही वाली इंक होली में किसी के ऊपर डाल दी जाए, अनुराग के ऊपर या विपिन के ऊपर या अभिषेक के ऊपर। हैं, व्लॉग देख रहे होंगे तो गरिया रहे होंगे कि भैया इससे होली में दूर रहना है। ये GIC ग्राउंड है, बहुत पहले आते थे मैच वैच खेलने इधर, अभी फिर वो बन गया ऑडिटोरियम। अभी भी इधर साइड पे इधर ग्राउंड है, उधर ग्राउंड है, उधर ग्राउंड है, सब मैच वैच चला करता है। बढ़िया मस्त लौंडे खेलते हैं, बहुत पहले हम लोग आते थे जब हाई स्कूल इंटर में थे। अभी सामने उधर वोटिंग हो रही ना, तो इसे हम अनुराग घूमने निकले थे, तो बस इधर चले, हमने कहा देखते चल के क्या चल रहा उधर। भाई फुल ऑन आज मैच चल रहा है। सबसे बढ़िया चीज तो ये ऑडिटोरियम, इसके नीचे बारिश में आराम से मैच खेल सकते भाई। प्लास्टिक वाला बैट बॉल ले लो, यहाँ पता है सनपुत्तल, कंचा, गुच्ची पट, गेंद डंडा, गुच्ची पट, भाई सब उधर है भाई, मतलब पूरा फुल कसीनो वाली वाइब इधर है। वहाँ से लौंडे निकलते हैं, दीवार फांदी जाते रहे, कितने भंडारा आया दिन लगाते रहे। बहुत नॉस्टैल्जिक ग्राउंड है भाई। ओह माय गॉड, लौंडे उधर जूझे परे हैं। फुलान मतलब मैच खेलने का एक टाइम पे कीड़ा था, उसके बाद पतंगबाजी का कीड़ा तो खैर अभी भी है, फिर पतंग वतंग उड़ाने लगे, बाहर जाने देते, बाहर लड़ाई वड़ाई हो जाती थी, तो घर वाले बाहर अलाउ नहीं करते रहे कि बाहर जाइए तो खोपड़ी खुला के आइए, तो पतंग वतंग उड़ाते थे। लेकिन एक टाइम था जब मैच खेलने का बड़ा मन करता था। अभी इतना कोई खास नहीं है, बस देखने में ज्यादा मजा आता है। इधर उधर मैच चल रहा है, इधर हम लोग मस्त एकदम खड़े होकर देख रहे हैं। रेगुलर आना रहेगा GIC ग्राउंड, जब हम लाएंगे पेट मतलब डॉबरमैन या फिर लेब्रा कुछ भी, तो उसको क्या है कि थोड़ा सा एक्सरसाइज या रनिंग वगैरह कराने के लिए एक बड़ा ग्राउंड चाहिए, तो इकलौता है कि यही ग्राउंड है घर के पास GIC। इधर ही लाएंगे, इधर ही छोड़ेंगे, एकदम मस्त बिंदास एक्सरसाइज कराएंगे। फुली जहाँ तक कि जून तक की आ जाएगा, जून या जुलाई। भाई स्टेडियम से ज्यादा लौंडे यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं, सामने देख रहे हो फुल साइकिलिंग चल रही, उधर मैच चल रहा, उधर मैच चल रहा, आराम से। एक बार पिछली ब्रेक मार के ऐसे पूरी स्किट करो, पिछली ब्रेक ऐसे मार के वो स्किट मारो पूरी, जो गोल गोल राउंड एकदम मारा जाता है। लग तो रही है, नहीं लग रही है क्या?
अरे रहने दो, इसको मत देना, गिर जाएगा ये। तुम स्लिप मार के दिखाओ इसे एकदम गोल चक्का। इसकी मारती है उसका, नहीं इसको मत देना, इसको स्लिप मारने का एक तरीका होता है वो, देखो उधर मारा। एक हाथ के दांत टूटे हैं घर पर पहले जी हैं। रहे दो भाई, गिर जाइयो, रहे दो। अरे हम लोग अंकल जी हो चुके हैं भाई, अंकल जी, हम लोग अंकल जी हैं ना। होएगी मार। ऑफिशियली कह दिया अंकल जी, अंकल जी देखो ऐसा स्लिप मार रहे हैं, अंकल जी देखो ऐसा ये कर रहे हैं। फीमेल्स में भी कोई आंटी कह दे किसी को जाके को, ऐसा बुरा लगता है आंटी। हम लोग ऐसा फुल प्राउड की बेटा अंकल नहीं पापा बोलो पापा। उधर मैच का चुनना इतना है, उधर देखो विकेट कीपिंग चालू होगी बैटिंग के लिए। आखिरकार बैटिंग पे आ गया लौंडा, बच्चन का मारो बस भाई। आज ऐसा कुछ करने को था नहीं, तो बाराबंकी का जो नया मल्टीप्लेक्स बन रहा है ना, मतलब एक मॉल कह सकते हैं छोटा सा अच्छा सा, एक साल बाद ओपन होगा ये। चाचा से पूछा तो बोले एक साल बाद ओपन होगा। सबसे पहली विजिट हमें लोगों की है भाई, बने के बाद तो बहुत लोग दिखेंगे, लेकिन पहली विजिट हम ही लोगों की है। बिल्कुल लखनऊ का जैसा सहारागंज सा बिल्कुल वैसा बनेगा भाई। हाँ बिफोर आफ्टर वाला, बिफोर आफ्टर वाला, ऐसे मार के ऐसे ऐसे करके ऐसे यही जगह से चुटकी मारना है ऐसे। भाई काफी बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। यहाँ भी मैच खेला जा सकता है, खेलते हैं यहाँ मैच, हम भी खेलते। कसम से ऐसा मतलब टेम्परेचर चेंज हुआ है ना, बाहर इतनी गर्म थी, अंदर इस पे मतलब काफी ऊंचाई पे छत है ना, और थोड़ा सा मोटी दीवारें हैं तो धूप का उतना असर होता नहीं है। इतना मस्त ठंडा लग रहा है कि क्या ही बताएं। देख लो मॉल में देखते हो ना कि मतलब एसी के इवेंट्स कैसे होते हैं, तो ये जो पूरा दिख रहा है ये सारे होते हैं एसी के इवेंट। इसी से मतलब पूरा जो इतना बड़ा मॉल होता है वो पूरा कूल कूल सा रहता है, ठंडा ठंडा। बाकी ये सारे आउटलेट्स होंगे, शॉप्स वगैरह होंगी, जो भी होगा। कितने फ्लोर हैं ये, तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। अपने चैनल की वहाँ पे यहाँ पे डेट सीरीज, अपने अपने चैनल का यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखा जाएगा डेट सीरीज। तो पहली बार हम लोग यहाँ आए, ऐसा बनेगा कुछ, अभी मतलब बन ही रहा है, अभी एक डेढ़ साल लगेगा। चाचा बोल रहे थे कुछ ना होने से कुछ बेहतर है। ऐसे विशाल था, वी-मार्ट था, बस यही दो तीन थे। अभी स्पेंसर खुला था, कोई नया अच्छा बड़ा मॉल खुलेगा, मतलब बिल्कुल सहारागंज। डाला जाए तो शॉप कितने की हुई है, कम से कम भाई, कम से कम बोल लेना 80 से 90 लाख रुपए एक शॉप। हाँ एक करोड़ फ्रेंचाइजी ने, अगर अपनी तुम पर्सनल शॉप डाल लो तब भी कम से कम 80 लाख। लो बहुत अच्छा विजिट था, मतलब देख लिया काफी कुछ। ये बनेगा तो यहाँ खड़े होके हम बनाए थे वीडियो, इसे चुटकी मार के ऐसे। ये जो है ना महिंद्रा ट्रैक्टर पास में, इधर वो है आरटीओ ऑफिस, आरटीओ ऑफिस से थोड़ा सा इस साइड मतलब बाराबंकी सिटी साइड पे ना ये मॉल खुल रहा है, ये देखो। इट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग। अभी हम खा रहे हैं खरबूजा, थोड़ी सी पढ़ाई, अभी व्लॉग करते हैं पे खत्म। अगर अभी तक व्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर चैनल डेट सीरीज, कनेक्ट सर्टेन फॉर्म ऑन ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।